सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। इसका लाइसेंस रद्द हो। हम लोग नया डीलर चाहिए, नया डीलर विजय करवाली नहीं चाहिए। सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, राशन कटौती देता है। बुधवार 13 जनवरी को बीचा पंचायत भवन के प्रांगण में ग्रामीणों की जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का बैठक किया गया। बैठक में वर्षों से चल रहे डीलर के अनियमितता बरतने के खिलाफ स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच करने एवं ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर विजय करमाली से काफी परेशान है और लाभुकों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। विजय करमाली से हम लोग को बहुत परेशानी होता है, क्योंकि जब हम लोग राशन लाने के लिए जाते हैं तो ये बार बार हम लोग आज देंगे कल देंगे घुमाते रहता, प्लस है कि हम लोग के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। समस्या ये है कि देखिए राशन जब देते हैं ना तो उसमें घटता भी है। जब हम लोग वेट करते हैं कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा वेट करते हैं, कभी कभार घटते हैं तो उसमें कम हो जाता है, 5 kg, 6 kg, 7 kg इस तरह का कम होता है। जबरदस्ती कभी जैसे मिट्टी तेल नहीं लेते हैं तो वो भी दे देता है, 3 लीटर दे देता है। जब हम लोग मांगते हैं तो नहीं देता है, कभी कभी जब जरूरत है तो नहीं देता है, जब जरूरत नहीं हो पैसा का प्रॉब्लम है तो फिर जबरदस्ती दे देता है। प्रशासन से हम लोग को मदद चाहिए कि हम लोग को ये डीलर नहीं चाहिए, प्लस कि हम लोग का दूसरा डीलर जो महिला समिति से किसी को चुन के रख देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सोनामणी कुमार है। ठीक। सभी ग्रामीणों और लाभुकों की बातों को सुनने के बाद डीलर विजय करमाली द्वारा लाभुकों को अभद्र व्यवहार, अनाज कम देना, अन्य ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना कार्यवाही करते हुए डीलर विजय करमाली का लाइसेंस रद्द करते हुए नए डीलर SSG ग्रुप के माध्यम से बहाल कर अनाज सुचारू रूप से वितरण किया जाएगा। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा सड़क, पुल, पुलिया, चेक डैम, तालाब, कुआं, प्रधानमंत्री आवास, नया राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अन्य सिंचाई की व्यवस्था, कई योजनाओं का कार्य इस पंचायत में करने का आश्वासन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दिया गया। देखिए, मैं जब पतरातू प्रखंड में ज्वाइन किया तो बहुत सारे हमसे समाज सेवी, यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमसे शिकायत किए कि वर्तमान में ये जो डीलर है विजय करमाली, इनके द्वारा लोगों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, कम राशन दिया जाता है और सब भी शिकायतें थीं। ये लोग क्षुब्ध थे उस डीलर से और मैंने इसका आज आकर के विशेष बैठक में इसका तहकीकात किया कि एक्चुअली जब लोग प्रसन्न नहीं है उस डीलर से तो फिर उस डीलर को हमको रखने का उचित किया है, हम क्यों रखेंगे। तो इसी दरमियान मैं आज यहाँ ग्रामीण जनताओं से बात किया हूँ और फिलहाल उनका जो निलंबन मुक्त होने की प्रक्रिया थी जिला प्रशासन द्वारा, मैं उसको स्टे करवाया हूँ कि नहीं, जब जनता नहीं चाहती है तो स्टे रहेगा। और लेम में कोई किशोर जी हैं वहाँ पर डीलर, अभी वर्तमान व्यवस्था के तहत वहाँ पर ये लोग लेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों को ही SSG ग्रुप को ऑनलाइन करा करके और डीलरशिप मैं दिलाऊं ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर राशन मिले और समस्याएं जो इनकी मुख्य जो हैं वो उसका समाधान हो सके। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।